स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए HPS AS का ये प्रीलिम एग्ज़ाम जो आज हुआ है, हिमाचल प्रदेश का सब ऑर्डिनेट एलाइड सर्विस का जो आपका एग्ज़ाम आज हुआ है, तो उसकी सीरीज ए का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक देखिएगा और अपना क्वेश्चन पेपर जो आज का आपका एग्ज़ाम का था उसको आप अपने हाथ में पकड़िएगा। जो भी सही आंसर था जिस भी क्वेश्चन का वो हम आपको बताएंगे। और एक बात और बता देते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ है आपका आज, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 0.25, ये मार्क्स आपके नेगेटिव पर थे, नेगेटिव मार्किंग थी। तो दंड के रूप में आपको, मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत सही किया है और चार की गलत आपने जवाब दे दिए, तो फिर ये जो एक आपने सही किया ये भी गलत हो जाना था। तो जिनके 130 है तो फिर 30 छोड़ दिया और बाकी सब गलत थे, तो आप फिर खुद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजमेंट और द हिमालयन एडवर्टाइज नाम से दो निम्न स्थानीय थे, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका जो राइट आंसर था वो था समाचार पत्र। और जो अगला क्वेश्चन आज का वो ये था कि शिमला में वाइसरीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया था, तो ये आपको बताना था। तो जो इसका लॉर्ड लिंटन है ये बिल्कुल सही है। आज का अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा नामक पुस्तक की रचयिता है, तो इनमें से कौन है ये आपको बताना था। तो जो 22 परमार है ये बिल्कुल इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र राज्य का हरित ऊर्जा प्रयोग करने वाला प्रथम क्षेत्र है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी था ये टहलीवाल, ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 5 था वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में चाय के उत्पादन में अंतर्गत कितना क्षेत्र था, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 5 था और 5 का जो राइट आंसर था वो था ये 2310 हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है तो आपको वो पता होना चाहिए, तो 4 बीघा का एक हेक्टेयर बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म केंद्र संदर्भ में सही है, तो जिसका ए जो था क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 7 था लाहौल स्पीति नस्ल के घोड़ों को प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया है, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर था वो ये लर्री जो है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही होगा। अगला जो क्वेश्चन था आज का हमारा इस एलाइड का पेपर का जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, राज्य में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की वित्त पोषण पद्धति क्या है, तो इसका जो राइट आंसर इसमें बताया हुआ जो क्वेश्चन आज ये आपसे पूछा गया था और इसमें जो आंसर की है इसकी वो ये है कि इसमें 90% केंद्र और 10% राज्य इसको वित्त पोषण करेगी। अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-18 में परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना पर व्यय कितना था, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 था वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश में बागवानी फल फसलों विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर प्रदेश सरकार ने कितना परसेंट उपदान प्रदान किया, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है तो जो इसका राइट आंसर था वो था डी 18%, ये बिल्कुल सही था। और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कितना क्षेत्र वनों के अधीन आता है, तो ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 11 का वो था क्वेश्चन नंबर 11 का ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो था कि कुल्लू लाहौल को विभक्त करने वाला प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा का पुरातन नाम क्या है, तो ये आपको बताना था। तो भृगु तोंग ये बिल्कुल सही था। अब जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनसंघ के अनुसंधान केंद्र और IGMC शिमला महाविद्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य का जो क्वेश्चन नंबर 13 इसको आप देखिएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 8.542 ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेते जाएगा। अगला क्वेश्चन था बसपा घाटी में पहुंचने वाले कौन सा दर्रा व्यवस्थित है, ये आपको बताना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको आपको आंसर बताना था, तो इनमें से आपको क्या लग रहा है, तो इसका जो राइट आंसर था वो बी बिल्कुल सही था।
अब जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले पेपर में भी बताया था, जो हमने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए थे कि ये क्वेश्चन आया था HPSC का, तो क्वेश्चन था कि किस नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण स्थानीय लोग दुख की नदी या दुख का दरिया के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें जो पहले आपको हमने बताया था कि दुख का दरिया, इसमें नदी बताइए, तो ये सुबांग नदी, और ये जापान का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के सहयोग से इसमें प्रोजेक्ट बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 था, सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से विलय हुआ, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका जो राइट आंसर था वो ज्वाइंट स्टॉक बैंक अर्थात सिरमौर बैंक की, ये बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया था आपसे, हिमाचल प्रदेश सलरोफा में प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्य जीव विशेषज्ञ थे, तो ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो फ्रांसिस ये बुनार और TH बना बाकर थे, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है इसका सोरंग, और निम्न में से कौन सा किन्नौर से संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना, तो क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ये जो खाम है ये बिल्कुल इसमें नहीं था। अगला जो क्वेश्चन था आपका कि बुट्टी बुनकर सहकारी समिति शमसी का गठन कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 था, और इसका जो राइट आंसर था वो डी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति वर्ग की जनसंख्या घनत्व क्या था, तो ये आपको बताना था 123 व्यक्ति। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश भाषा और कला संस्कृति अकादमी ने हिमाचल प्रदेश के किस भाग में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजों के आयुर्वेद से संबंधित की है, तो ये स्पीति घाटी बिल्कुल सही था इसका। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये त्रिगत का सर्वप्रथम इतिहासिक वर्ण किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया जाता है, तो ये पाणिनी बिल्कुल सही था इसका। तो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो अगला था क्वेश्चन नंबर 24, विचित्र नाटक नदौन की लड़ाई, क्वेश्चन नंबर 24 जो इसको आप देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर था वो डी गुरु गोविंद सिंह, जो ये नदौन की लड़ाई की जानकारी का एक मुख्य स्रोत जो आत्मकथा मानी जाती है, तो ये गुरु गोविंद सिंह को। और अगला क्वेश्चन था कि औरंगजेब ने बुशहर को राजा कैरी सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो छत्रपति इसका बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सन 1804 में बिलासपुर मंडी चंबा और कांगड़ा के छोटे राजाओं ने संसार चंद शासित कांगड़ा को पराजित करने के लिए किस समूह को निमंत्रित दिया था, ये गोरखा बिल्कुल सही। और मैंने आपको पहले ही बताया था जिस प्रकार मुगलों को राणा संग्राम सिंह ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, उसी प्रकार से इन्होंने इन गोरखों को बुलाया था। 27 जो क्वेश्चन नंबर था इसका था, बिलासपुर के किस प्रसिद्ध रंग महल जो अब गोविंद सागर में समागे का निर्माण किस राजा ने करवाया था, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका जो राजा विजय चंद था ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पटिहार और पुणे का निहारा जो ब्रह्मीवलीप्वद्वीप पुरातत्वीय शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में है, तो इसका कांगड़ा बिल्कुल सही था। और अगला है, जलंधर और तिगर के राज परिवारों से विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले प्रथम विद्वान थे, तो कनिंगम ये बिल्कुल सही है, पिछली बार भी हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो 10 से 15 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन से आए थे जो हमने आपको पिछले जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर बताए थे इस चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन था, एक जनवरी 1906 में निम्न में से चंबा के किस शासक को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था, तो इसका भोरी सिंह बिल्कुल सही था। और किन्नौर जिले की किस घाटी को केसर और जीरे का उत्पादन किया जाता है इसमें, तो जो इसका राइट आंसर है वो सांगला घाटी है, बिल्कुल सही था। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस उत्पाद को माल अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेतक या GI का पंजीकृत किया गया, तो क्वेश्चन नंबर था 32, तो इसका जो राइट आंसर था किन्नौरी सोलो और चंबा का रुमाल, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांगड़ा जिले के रेशम कातने का संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर ये नहीं था, ये था इसका जो राइट आंसर था ये बौद्ध नूरपुर में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांगड़ा जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शुरू की गई मुर्गी की नस्लों की निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी सही है, तो ये आपको बताना था, तो ये जो रेम्बुलेट है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, होनसांग के अनुसार 7वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में कौन सा राज्य था जहाँ 20 बौद्ध संघों में 1000 पुरोहित महायान का किया करते थे, तो इसका जो कुल्लू था ये बिल्कुल सही था।
लाहौल को किसने ग्लेशियरों की घाटी का नाम दिया था? क्वेश्चन आपको ये आया था, और एंड्रयू विल्सन, ये बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुल्लू क्षेत्र में फल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में भी कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1870 में वहाँ एक सेब का बगीचा बाग स्थापित किया था? तो ये कैप्टन आरसी लीली, बिल्कुल सही है इसका। और अगला जो था इसका आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के निम्न में किसने केलांग में आलू अन्य सब्जियों का उत्पादन किया था? तो मैरविन मिशनरी, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 39 क्वेश्चन नंबर है, भूवैज्ञानिकों ने एक अध्ययन पर 1200 से 1500 मिलियन वर्ष पूर्व किस जिले का वर्तमान भूभाग 33 नामक स्थान सागर का हिस्सा था, ये आपको बताना था? तो इसका जो डी है शिमला, ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन था किस जिले का नाम उसके नाम नगर के नाम पर आधारित है और जो कभी लकड़ी का कोयला बनाने के लिए लोगों का द्वारा निवासित था? तो शिमला, बिल्कुल सही था इसका। और अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र पद्मन द्वारा मानी जाती है? तो ये बुशर मैंने आपको बताया था, वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भगवान जो श्री कृष्ण थे उनके वंश से दिया है, या आप ये समझ सकते हैं कि उनके वो पूर्वज थे जो भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न वगैरह जो थे। और अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि किन्नौरा और तिब्बतियों के किन्नौर है इसका, ठीक है? तो उसमें किन्नौर तिब्बतियों के मध्य कर मुक्त व्यापार सन कब तक जारी रहा? तो 1962, जब तक चाइना से युद्ध नहीं हुआ था तब तक जारी था, फिर उसके बाद ये परिस्थिति ऐसी बनी कि फिर ये रुक गया। अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के 2017-18 के वित्तीय योजना परिव्य में प्राथमिक आधार पर किस क्षेत्र को सार्वजनिक महत्ता दी गई है? तो सामाजिक जो सेवाएं थी, ये बिल्कुल सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 44 था, बाद 2017-18 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रदेश को गुणवत्ता युक्त स्टील आपूर्ति करने हेतु अपना सेल यार्ड स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 44 का, तो इसका जो शिमला है ये बिल्कुल सही होगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था सिपकी नामक स्थान पर शत्रुघ्न नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? तो ये जसकर, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था डूमरो को सालबों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक में वृत्ति के में करने वाले चंद्र गोविंद कौन थे? तो ये बौद्ध विद्वान, ये बिल्कुल सही होगा इसका। और अगला क्वेश्चन था भरमौर नगर की स्थापना किसने की और किस जिसे राज्य की राजधानी बनाया गया? तो मेरू वर्मन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और कुटेलगढ़ के शासक जयपाल जसपाल के पुत्र और पोत्र द्वारा शिमला हिल्स के किस रियासतों की स्थापना की गई थी? तो ये भज्जी और कोटी, बिल्कुल सही है। अब जो इसका अगला था कांगड़ा जिले में एक प्रमुख वाग्निवेश रेशम के कीट के लिए उपयोग में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है इसका, यूनिबोलोटाइन, ये बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन था जुलाई 1910 में एएच फ्रांके निम्नलिखित में से किस गांव में आए थे जहाँ की भाषा उन्हें पूर्ण रूप से तिब्बती लगी? तो ये पू, बिल्कुल सही है इसका। और कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल नगाड़ा सहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं ने एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश दिया था? तो इसका आपको आंसर देना था, और इसका जो सी है बिल्कुल सही है, 8760। अगला क्वेश्चन है सन 1993 में माउंट एवरेस्ट पतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो ये आपको बताना था डिक्की डोलमा, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लाहौल और स्पीति को किस घाटी में जिले का बाघ और अन्न भंडार के रूप में अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये आपको बताना था, तो इसने इसका जो पट्टन घाटी, ये बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े माध्यम और छोटे स्तर पर औद्योगिक इकाइयाँ सब दिख है? तो ये सोलन, बिल्कुल सही था। और अगला था महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माण ताम्रपत्र किस सदी से संबंधित है? तो ये 7वीं सदी से, बिल्कुल सही होगा। और लिंचिंग मिंचिंग चेतपा दी तरंगा शीशे किन्नौर जिले के एक किस से संबंधित है? तो ये सजा, बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है
हिमालय में हिमालय की संस्कृति विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था कि हिमाचल में, क्वेश्चन नंबर है 57। तो इसका जो KL वैद है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजना सहनगर परियोजना प्रदेश के कितने भूभागों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 58 है तो सी 15,287 हेक्टेयर, ये बिल्कुल सही है। और सिरमौर के नाहन से सन 1875 में प्रथम औद्योगिक इकाई नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना किसने की थी, तो ये शमशेर प्रकाश बिल्कुल सही थे। इसके अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक रहती है, तो ये बिल्कुल सही था 60 का ये। और अगला क्वेश्चन था, जकार्ता पालम पैग में संपन्न हुए 18वें खेलों में भारत को कितने पदक मिले, तो 69 इसका सही था। और अगला क्वेश्चन था, सन 2018 में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से सम्मानित नहीं मिला, तो ये पॉल रोमर जो है बिल्कुल सही था इसका। और अगला क्वेश्चन था, 18वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण जीतकर ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर था 62, तो इसका जो राय ही ये सरनोबत है ये बिल्कुल सही होगा। और वर्तमान पाकिस्तान और भारत रूस के बीच कौन सा ये अब सैन्य अभ्यास चल रहा था, तो उससे ये द्रुज हवा थर्ड ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से किसी भी मामलों की भारतीय परिषद नई दिल्ली का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, तो ये TCA राघवन बिल्कुल सही था। अब लोक सेवा आयोग UPSC के प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, अरविंद सक्सेना बिल्कुल सही था इसका। सन 2018 में कितने विदेशियों को पद्म सम्मान दिया गया, क्वेश्चन नंबर था 67, तो इसका जो 16 बिल्कुल सही था। अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो इसमें रैंडम में आपको जिस पर आपका जो क्वेश्चन पेपर था जो सामने आ रहा क्वेश्चन हम आपको वो इसके आंसर बता रहे, तो जैसे 67 के बाद ये 71 क्वेश्चन नंबर आ रहा है तो आप नोट करते जाइएगा, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा। तो ये आपको बताना था, अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू सम्मान कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो इसका जो संस्कृत संबंधों में की भारतीय परिषद बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन जो है वो निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 68 का वो संगीत, ये बिल्कुल सही था। और अगला, सैन्य अभ्यास इंदिरा 2018 भारत ने किस देश के साथ संचालित किया है, क्वेश्चन नंबर था 72, तो रूस इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, भारत रत्न कब प्रारंभ किया गया, तो ये 54 में बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2018 का भोजपुरी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको बताना था, तो इनमें से सभी को, ठीक है, ये सभी थे, आपको मैंने बताया था इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी इनके बारे में। और 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया था, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 70 या तो अमिताभ घोष, इसमें बताया हुआ, परंतु मुझे अभी भी डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ये जो है बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि इसका जो, परंतु फिर भी ये अमिताभ, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, 7-23 दिसंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर था 74, और 74 का जो राइट आंसर था वो था कुरुक्षेत्र, ये बिल्कुल सही था। तो कुरुक्षेत्र ये सही था। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आपको बताना था, तो ये लोटे त्शेरिंग, ये बिल्कुल सही है। और यूनेस्को द्वारा किस तिथि को विश्व सहनशीलता दिवस घोषित किया गया, तो 16 नवंबर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, 2018 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य मंडल का उत्कृष्ट मंडल का पुरस्कार मिला है, तो क्वेश्चन नंबर था 79, और 79 का जो राइट आंसर था वो उत्तराखंड बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का नवीनतीकरण युष्मा के रूप में अब हुआ है, तो इसका नाप्ता ये बिल्कुल सही है। अब जो आर्टिकल है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन से पहले 6 महीने तक राज्यपाल शासन कहते हैं, ये किस संविधान के अनुच्छेद में, तो ये 92 बिल्कुल सही है इसका। अब 2018 का मैन बुकर पुरस्कार जो था ये मिल्कमैन को दिया गया था। और 81 जो क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय मूल की महिला को प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सम्मिलित किया गया, तो ये गीता गोपीनाथ बिल्कुल सही था इसका। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
2018 में किस भवन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वे ने राष्ट्रीय महत्व के घोषित किया, तो ये बिल्कुल सही थे सभी। उसके बाद यूनेस्को ने किन दो देशों के आधिकारिक रूप में अपने को अलग कर लिया है, तो ये जो यूनेस्को जो है, ठीक है, यूनेस्को, इससे अमेरिका नाराज चल रहा था क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि इसराइल के साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए इसको अब इसमें अलग कर दिए, दोनों अलग हो गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2000 सन क्वेश्चन नंबर 86 पे बता देते पहले आपको कि जन प्रतिनिधि कानून के संशोधन बाद अब अनिवासी भारतीय किस प्रकार के वोट डाल सकते, तो ये स्वयं या डाक द्वारा या प्रोक्सी मत भी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर जो 83 था, 2019 में भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने सुरक्षा हेतु अमेरिका ने कौन सा कानून पारित किया, तो ये बिल्कुल सही था, जो एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट, ये बिल्कुल सही था इसका। अब जो अगला था कि बिम्सटेक का जो अगला सम्मेलन था, चौथा सम्मेलन, ये फोर्थ सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन था भारत का मुखिया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था, 84 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका, तो सुधीर भार्गव जो इनको नियुक्त किया है। और किन पांच देशों ने हाल ही में कैस्पियन समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो ए बिल्कुल सही है इसका, ये गलत है, ए अर्जबिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये बिल्कुल सही था इसका। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सरकार की नई नीति के अनुसार किस प्रकार के गैर पारंपरिक हाइड्रोजन को उत्खनन एवं खोज किया गया प्राप्त हुई है, तो इसका जो ये डी है बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 89 का बिल्कुल सही होगा ये। और अगला क्वेश्चन था पेटकोफ से आपका अभिप्राय है, तो ये आपको बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये तेल आधारित उत्पाद है जिसे हवाई ईंधन से प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पश्चिमी बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में नक्सलवाद की पहल करने के लिए किसे प्रमुख माना जाता है, तो 90 का जो आपका आंसर देना, तो युक्त में से डी, ये बिल्कुल सही था, डी जो है। और सन 2018 में भारत में अमेरिकी सेना द्वारा कौन सा लड़ाकू सैन्य अभ्यास किया गया, तो इसमें ये बताया गया है कि जो 93 का है वो है युद्ध अभ्यास, और अभी जो किया गया तो वज्र शक्ति जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ठीक है, वज्र शक्ति 2019 में, 2018 में था ये युद्ध अभ्यास। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बताना था किस राष्ट्रीय उद्यान को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पर्यावरण की सुरक्षा रीति IROD से क्या अभिप्राय, तो आपको बताना था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल सही था। और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता को बचाने के लिए योजना का शुभारंभ या किस अभियान का प्रारंभ किया, तो निरादेही, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्तमान में नागालैंड सरकार ने किस वन्य जीव अभियान को हाथियों की सुरक्षित रखने के लिए किया गया, तो ये सिंह फन बिल्कुल सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 89 था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म के संसद को कब संबोधित किया था, तो 1893 इसका, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था भारत सरकार ने वर्तमान में वन्य जीवन आनुवंशिक संस्थान की स्थापना इस बैंक इसकी स्थापना कहाँ की है, तो इसका हैदराबाद जो, ये बिल्कुल सही होगा 97 का। और अगला क्वेश्चन था आपका ऑस्ट्रेलिया के कौन से समसामयिक दस्तावेज द्वारा भारत और भारतीय संबंधित निर्धारित होंगे, या भारतीय संबंध निर्धारित होंगे, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा उसके बाद आपको बताना था, तो इसका जो है एन इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेटजी 2035, ये बिल्कुल सही था इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मानव संसाधन मंत्रालय के इम्प्रिंट पहल का क्या अर्थ है, तो ये आपको बताना, तो क्वेश्चन नंबर 98 का, तो ये बिल्कुल सही था। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, ये बताना था, 9 दिसंबर 1944 में दिल्ली में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष की किस सदस्य को आप उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है, तो इसका जो 120(1) था, ये बिल्कुल सही है। और रवि वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने इसको कि सभी संस्थों को अपनी अपनी मातृभाषा में बोलने की आज्ञा दी थी, ये परमिशन दी थी, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर जो 105 जो है, तो इसका संविधान का अनुच्छेद भारत का जो शुरुआत संविधान के पढ़ने की या उसमें रीडिंग की हम शुरू करते हैं,
तो उसमें ये आता कि पहला जो राज्यों का संघ है अनुच्छेद शुरू इसी से होता कि भारतीय राज्यों का संघ है। आपको बताना था कि निम्न में से इनका मिलान करना था, और जो आपको 103 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आपको आंसर बताना था कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही था वो सही था, सी मीन्स सभी सोड़े सही है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना था। तो बदरुद्दीन तैयबज जी, ये बिल्कुल सही था, तैयब जी। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे, ये आपसे पूछा गया था। तो 389, ये बिल्कुल सही था। और मुस्लिम लीग या पाकिस्तान के बनने के बाद कितने रहे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सर ये न्यायिक जुडिशियल रिव्यू सिस्टम जो होता है, ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसके पास है, तो ये आपको बताना था। और 108 था कि संशोधन द्वारा शिक्षा को संपत्ति सूची का विषय बनाया गया, क्वेश्चन नंबर 8 था। 108 था इसका जो राइट था वो डी 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा या संसद। और अगला क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है, क्वेश्चन नंबर था 133, और इसका जो राइट आंसर था वो था 169, आर्टिकल 169। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसको सहमति के बिना कोई भी किसकी सहमति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, तो राइट आंसर होगा इसकी संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, राज्यपाल राज्य परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकती है, आपको पता होगा राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। और अगला क्वेश्चन जो था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है, तो ये सही था इसका। अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण किया जा सकता, अनुच्छेद 222। और अगला क्वेश्चन था आपका कि राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों का विचार किस देश से दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर था 117, तो आयरलैंड इसका बिल्कुल सही था। पौधे रेजिनिन और गोद को कहाँ स्टोर करते हैं, ये आपको बताना था। 121 का जो है पुराना जैलम, ये बिल्कुल सही था। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की किस वर्ष स्थापना हुई थी, तो 1925 में सही था इसका। और दिन के दौरान जैलम में पानी की आवाजाही के लिए प्रयुक्त ड्राइविंग बल क्या है, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर था 122। और इसका जो ये बास जाना है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त होना चाहिए, मान लो कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाना, तो जो पिछला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था उसके में उन्होंने कितने सीटें या क्या किया, तो वो आपको बताना था। तो इसका जो 10% ये बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 123, ये गैस्ट्रिक ग्रंथियों क्या स्थापित करती है, ये आपको बताना था। तो 123 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, ये SCL, पेप्सिन और बलगम, ये बिल्कुल सही था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, ये आपको बताना था। और मनुष्य में क्रमानुसार गति कहाँ होती है, ये आपको बताना था। तो इसका जो पूरी भोजन नली में, ये बिल्कुल सही था। और निम्न में किस प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, तो ये बिल्कुल सही है, गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघलना। और अगला क्वेश्चन था, ये साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे कुछ, छोटे छिद्रों में गोलाकार दर्पणों की वक्रता और फोकल लंबाई की त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, क्वेश्चन नंबर था 128। और 128 का जो राइट आंसर था वो था बी, ये बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन था तेल और वसा के ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है, ये आपको बताना था, तेल और वसा के ऑक्सीकरण पर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 126। तो ये बेबसी हो जाते हैं, उनके स्वाद में बदलाव आ जाता है। 129 का जो अगला क्वेश्चन है इसका जो सी है बिल्कुल सही था आंसर। और अगला क्वेश्चन है 127 में मैग्नीशियम रेवन के जले में कौन सा उत्पाद बनता है, तो इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 130 था इसका जो राइट आंसर था ये ए बिल्कुल सही था, ये प्रमुख अक्ष में समांतर उभरती है। अगला क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
के समय किया गया गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के निम्न में से कौन सा एक भाग नहीं था? तो ये श्रमिकों का संघ निर्माण, ये बिल्कुल सही था। निम्न में से किस एक घटना में से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा? तो ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर जो 140 था, ये 140 में जो क्वेश्चन था, आपने क्या किया, आप अपने क्वेश्चन पर देखिएगा, तो इसका जो नमक सत्याग्रह था ये बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन था, अब निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल सही था, क्योंकि पहले असहयोग आंदोलन, पहले रोलट सत्याग्रह हुआ, फिर असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर ये जो लास्ट में बेबस हो गए तो बोला करो या मरो, तो इस प्रकार से ये डायलॉग मारा था, एक डायलॉग दिया था या नारा दिया था। अगला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष किस वंश के थे? तो ये राष्ट्रकूट इसका सही है। ये कथन किसका है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज से नहीं है? राम राज्य मेरा मतलब है कि दिव्य राज, ईश्वर का राज्य, मेरे लिए राम और रहीम एक देवता है। महात्मा गांधी सही था इसका। नायार और अलंबार कौन थे, ये आपको बताना था। तो ये दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत थे। तो क्वेश्चन नंबर 143, उत्तर भारत की प्राचीन मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली क्या कहलाती है? तो मंदिरों को बनाने की जो शैली है वो क्या कहलाती है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 143 का, तो इसका जो राइट आंसर था वो नगर शैली है, नागर शैली सॉरी। तो ये बिल्कुल सही था। अब इसोले कोल की नीति प्रतिपादित की थी, तो ये अकबर द्वारा की गई थी, क्वेश्चन नंबर जो 146 है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन से सूफी संत चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो ये हिमदुद्दीन निगौरी, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था, किस वंश के शासक ने गोल गुंबज का निर्माण किया? तो आदिल शाह, ये बिल्कुल सही था। प्रसिद्ध शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ? तो ये सासाराम, इसका जो डी है बिल्कुल सही होगा, सासाराम, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के लिए मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो था बाद नारायण का, ये ब्रह्मसूत्र, बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित किसने लिखी? तो अशोक घोष, ये बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था क्वेश्चन नंबर जो 52 है कि 1858 के बाद वायसराय भी कहा जाता था, तो भारत के गवर्नर जनरल, ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा 150, भगवत गीता का संस्कृत में अनुवाद किसने किया, ये आपको बताना था। तो जो इसका चार्ल्स विंकसन थे, ये बिल्कुल सही था। 153 जो था कि किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड लॉजी नाम से बदनाम था, परंतु इसने काम बहुत ही ज़्यादा किया है, जितने गवर्नर थे सबसे, अगर इनसे हम ये कह सकते हैं कि मेहनत इसने की है, जितना कुछ किया, डाक इसने लाई, रेल वगैरह तो चल पड़ी थी, परंतु जो डाक चलाई, ये जिस प्रकार के कानून चलाए, तो लॉर्ड डलहौजी ने ये चलाए थे, डलहौजी। 1857 के किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना की सिपाही ने रोप्स अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 का ये विप्लव उत्पन्न हुआ? तो 10 में, ये बिल्कुल सही था। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये अम्बेडकर, बिल्कुल सही था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और अगला क्वेश्चन जो था वो था, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और इसका जो राइट आंसर था वो है 1920। तो ये कांग्रेस का एक मजदूर संघ था, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। भारतीय ईसाई नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ? तो 1946, ये 1946, बिल्कुल सही था इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1878, ये बिल्कुल सही था। और अगला था, कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? तो ये मोरटाइमर भेलर जो था, ये बिल्कुल नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर अगला जो था वो था कि निम्नलिखित में से किस भी ब्रिटिश भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का था, उसके पर भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो जो ये अगर शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपके माइंड में आ जाना चाहिए, तो ये जो बुट, चार्ल्स बुट की जो घोषणा पत्र था 1854 का, ये शिक्षा से संबंधित था। और कब ये द्वैध शासन प्रणाली जो है शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर था
किस अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, तो 1919 जो इसका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन से मानदंड 14वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार राज्य के वित्त राशि पर अधिकतम आवंटन है, तो आय ये बिल्कुल सही था, आय दूरी। और इसका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 164 के नीचे दिए गए क्रमांकों को इनको आप पहचानिएगा, और उसके बाद ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर जो 164 था, तो मानव विकास सूचांक, और ये आपको बताना था मानव विकास सूचांक, बहुआयामी गरीब सूचांक, और इसका जो राइट आंसर था कि ये तीनों पहले कौन हुआ, तो वो आपसे पूछा गया था, तो पहले थर्ड, उसके बाद वन, और उसके बाद टू, तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के निम्न स्तर संतुलन चाल का उल्लेख किया गया था, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 62 है, तो आर नेल्सन ये बिल्कुल सही थे, अंग्रेजों के गुण गाते जा रहे भारत में अभी तक, इसलिए नहीं के पीछे पड़े हुए अभी। तो क्वेश्चन नंबर 165 का था कि इनको आप सही, ये गलत था, तो आपको पहचानना था कि कौन गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था इसका। अगला जो क्वेश्चन था कि नवंबर 2018 तक विश्व बैंक की कारोबार रैंकिंग भारत में आसानी से कौन सा या भारत में आसानी से सुधार हुआ है, तो 23वें स्थानों पर इसमें छलांग मारी है। 166 का था राइज निम्न में से किससे संबंधित है, तो RISE की फुल फॉर्म थी, वो आपको अलग से पता होगी, तो उच्च शिक्षा से ये संबंधित था और ये बताया हुआ इसमें। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि CSO द्वारा आयोजित किए जाते, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होगे अभी जो रोज़गार के डाटा वगैरह है उनको लेकर CSO का नाम बार बार आ रहा है, तो उसमें ये पूछा गया था, तो इसलिए किस लिए, किससे संबंधित है या क्या काम है इनका, तो ये आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर था 167, और इसका जो राइट आंसर था वो था बी, सेकंड, थर्ड एंड IB, मीन्स कि ये बिल्कुल सही थे। और अगला क्वेश्चन था विदेश भारत नीति 2015-20 के बारे में निम्न पर विचार कीजिएगा, तो इसका केवल जो दो है, मीन्स कि ये जो है बिल्कुल सही था इसका, ऑप्शन नंबर जो बी है 169 का। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 द्वारा सूचीबद्ध निम्नलिखित उपाय से सही होने की पहचान कीजिएगा, तो ये आपको बताना था, और 166 है जो 168 जो क्वेश्चन नंबर है ये, इसका जो ए था बिल्कुल सही था, ए मीन्स कि कौन कौन से ऑप्शन है वो आप देख लीजिएगा, तो 1, 2 एंड 3, ये फोर्थ ये बिल्कुल सही था इसका। और अगला जो क्वेश्चन था ये MSMED अधिनियम 2016 के मैं वर्तमान संशोधन के संदर्भ में क्या सही है, तो ये आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर था ये बिल्कुल सही था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था खगोलविद के अनुसार ब्रह्मांड में केवल कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो ये 100 बिलियन, ये बिल्कुल सही था। अगर 45 डिग्री पूर्व से समय 4 बजे है, तो पश्चिम में समय क्या होगा, तो आपको ये बताना था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था प्रातः 10 बजे। और निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो इसका जो राइट आंसर था वो शनि है, ठीक है, क्योंकि शनि के 28 उपग्रह है, और इसका जो इसमें बताया हुआ है कि आंसर की जो आई आपकी आज, इसमें बताया हुआ है कि बृहस्पति। अभी ये डाउटफुल है कि बृहस्पति कैसे हो सकता है, क्योंकि शनि के जो सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो आप जो भी लोग इसके जानकारी लेना चाहे वो आप ले सकते हैं HPPSC से, तो आप क्वेश्चन नंबर जो 172 है, ये क्वेश्चन जिनके जैसे आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, या अपने सुझाव या जो भी बाय पोस्ट इसके लिए आप आवेदन या कोई पत्र वगैरह भेज कर उनके कुरेक्शन करवा सकते हैं 172 के। तो अगर आपको लगता है कि ये बृहस्पति सही है, परंतु मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो शनि है बिल्कुल सही है, शनि इसके 28 उपग्रह है। अगला क्वेश्चन था किसने कहा था मुझे तथ्य दो मैं तुम्हें दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 176 था, तो कांट जो थे इसका बिल्कुल सही था। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं, तो ये आपको बताना था 173 का आंसर, तो बृहस्पति और शनि के बीच।
आधार तल की संकल्पना किससे विकसित की, ये आपको बताना था किसने विकसित की। तो 177 का जो राइट आंसर था वो पावेल जे डब्ल्यू बिल्कुल सही था। अब अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो ये आपको बताना था। अब उल्पाक्विन की बारिश राख के रूप में पृथ्वी पर गिरती, ये गलत था। और अगला क्वेश्चन था कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, तो इसका आपको बताना था। तो ये डोलोमाइट ये बिल्कुल सही था इसका। और मरमरा सागर किसका किसको जोड़ता है, ये आपको बताना था। मरमरा सागर किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन नंबर 79 था। और इसका जो राइट आंसर था वो बी बिल्कुल सही था, काला सागर एल्जियन सागर, ये बिल्कुल सही था। अगला ये डाइजेस्टर या आपदा शब्द निम्न में से किस भाषा से प्राप्त हुआ है, तो ये फ्रेंच बिल्कुल सही है इसका। पर्वत में बलन के कारण का कारण होता है, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 180 था स्वेडन बल, ये बिल्कुल सही था। प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आपृत्तियाँ होती है तो क्या होता है, 184 क्वेश्चन नंबर है, तो कमी होती है इसमें। और एक ऐसा स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, 181 का जो राइट आंसर था वो आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया, तो 2005 इसका सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर, 182 का जो राइट आंसर है दिल्ली, बिल्कुल सही है। सुनामी डैश द्वारा उत्पन्न लहरें हैं, तो ये आपको बताना था। तो इसकी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन था इनमें से प्राकृतिक आपदा है, तो ये आपको बताना था। तो डी बिल्कुल सही था इसका, ये सभी प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये कभी प्रकृति की मार कभी बन सकती। अगला सवाल क्वेश्चन, 90 प्रसिद्ध पुस्तक जिसने डीडीटी के प्रयोग तथा कीटनाशकों को अध्ययन पर प्रकाश डाला पर एक प्रश्न खड़ा किया था का नाम है, ये आपको बताना था। तो 91 का जो द साइलेंट स्प्रिंग, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कितने प्रतिशत भारतीय भूभाग पर भूकंप की संभावना है, तो 59%, ये बिल्कुल सही है। ये बैटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी इसका बिल्कुल सही होगा। और शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 89 था, 189 तो भूकंप जो है इसका बिल्कुल सही था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी मिली, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 193 का जो सी है 1972 में, ये बिल्कुल सही था। भूखलन किसके कारण होता है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 119 था, तो ये वर्षा की तीव्रता, खड़ी ढलान, वनों की कटाई, ये बिल्कुल सही था। जीपीएस का विस्तृत रूप क्या है, तो ये आपको बताना था। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, जो आपके फ़ोन में जीपीएस आता होगा, कई बार आपकी लोकेशन को ट्रैक करने में या ट्रेस करने में आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, तो उसमें ये जो आपको आता है जीपीएस, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी थी इसका, जीपीएस का विस्तृत रूप क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हवा इनमें से किसके अंतर के कारण फैलती है, क्वेश्चन नंबर 195, तापमान बिल्कुल सही था। और प्लास्टिक जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस निकलती है, क्वेश्चन नंबर था 198, और इसका आपको आंसर देना था। तो डाइऑक्सिन, ये बिल्कुल सही था इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 196, इनमें से कौन सा अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है, 196 का जो था तो वुहान बिल्कुल सही था। और 199 जो क्वेश्चन है, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से किसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, तो ये जो शोर है इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है मुझे अभी, तो पढ़ सकते हैं आप जो भी इसमें देखना चाहो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एनजीटी का विस्तृत रूप है, एनजीटी मींस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बिल्कुल सही है। पेड़ वगैरह काटने हो जैसे कोई प्रोजेक्ट लगे तो इसकी परमिशन या पर्यावरण मंत्रालय की परमिशन लेनी पड़ती है। और अगला क्वेश्चन था, भारत में मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी द्वारा चिन्हित प्रमुख जीव मंडलों की संख्या कितनी है, तो ये 13 बिल्कुल सही है। तो ये थे 200 क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप सभी से संतुष्ट हो गए, पूरी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी पूरी जानकारी हमने दे दी है। अब आपको लाइक तो करना बनता है, तो लाइक आप जरूर करिएगा, तो 1000 हमारा इस वीडियो को लाइक का टारगेट है। जो भी लोग हैं चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं और स्पष्ट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो बनेगा मेरे साथ इस चैनल पर, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद, गुड नाइट।